गुप्ता के बारे में भी लोग कह रहे हैं कि बन्ना जी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं लोकसभा क्षेत्र से, वहाँ जो है बड़े मार्जिन से इंडिया अलायंस के कैंडिडेट की हार हुई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि बन्ना गुप्ता जो हैं पूरे चुनाव के दौरान उतना एक्टिव अपने इलाके में नहीं रहे, जिसका खामियाजा जो है इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को भुगतना पड़ा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वहाँ पर जो पिछले चुनाव में मत पड़े थे उससे कई गुना ज़्यादा मत पड़े हैं, और पिछली बार जो है जो विधानसभा में लीड लिया है, नहीं लीड वही मैं बता रहा हूँ, लीड नहीं लिया लेकिन पिछली जो मार्जिन थी उस मार्जिन से बहुत आगे जाके लोगों ने वोट किया है। और देखिए, मेरा जमशेदपुर शहर जो है पूरी तरीके से अर्बन सिटी है, और अर्बन सिटी के वोटर और रूलर के वोटर के सोच में थोड़ा अंतर होता है। लेकिन आपको याद होगा कि पिछली बार भी जब विद्युत वरण महतो जीते थे तो 61,000 का मार्जिन लिया था, और 61,000 का मार्जिन लेकर वो 1,21,000 वोट लाए थे। लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे जो है 99,000 वोट के करीब मिल गया और 73,000-74,000 में भाजपा सिमट गई। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ थे वो और कहाँ आ गए, तो कहाँ थे वो और कहाँ आ जाएंगे ये भविष्य बताएगा। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं। सर, मन तो गदगद होगा आप लोगों का। निश्चित तौर पर हमारी शेरनी, हमारी झानो फूलो, हमारी लक्ष्मीबाई जीत कर आ गई हैं, और उसकी गर्जन की, शेरनी की गर्जन की आवाज़ और शेर के जेल के आवाज़ से अच्छे अच्छे लोगों का कलेजा हिला हुआ है। और निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र की जीत है, और लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। इस शासन को सुनिश्चित करने के लिए जनता ने मत दिया था, और ये बताया कि ये लोकतंत्र में तानाशाही और एकाधिकार अधिपति और जो है जबरन लोकतंत्र को बंधुआ नहीं बनाया जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, जो आंकड़े हैं पिछले बार 2 सीटें जो है आप लोगों को मिली थी, इस बार आप लोग 5 का आंकड़ा छुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या आपके पक्ष में रहा और क्या जो है बीजेपी के अनुकूल नहीं रहा? देखिए, ये पक्ष में रहा कि हम लोगों ने जो वादे किए थे, जो हमारी बात थी वो हमने जनता तक पहुंचाई। इन लोगों ने सरना कोड को लागू नहीं किया, इन लोगों ने 27% हमारा पिछड़े का आरक्षण तोड़ दिया, हमने 27% आरक्षण के लिए विधानसभा से पारित किया, मंत्रिपरिषद से पारित किया, लेकिन ये इन लोगों ने इन प्रकार से इसको जो है तिकड़म करके हमारा पिछड़े दलित लोगों का आरक्षण जो है कमज़ोर करने का काम किया है। संविधान को ये तोड़कर, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ना चाहते हैं और तोड़कर ये आरक्षण नीति को समाप्त करना चाहते हैं। आपको याद होगा 2018 में भी SC ST कानून को तोड़ने का इन्होंने साजिश किया था, जिसको जनता ने जो है समय रहते हुए इनके विरुद्ध में खड़ी हो गई। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, और हमारे राज्य की जो पॉलिसी है, चाहे वो सर्जन पेंशन स्कीम हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो हम लोगों ने राशन कार्ड बनाने का काम किया हो, चाहे स्वास्थ्य की दिशा में 8 लाख रुपए की आय वाले लोगों को भी मुख्यमंत्री गंभीर योजना से जोड़ने का काम किया हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको लोगों ने बीजेपी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको 50 विधानसभा, हालांकि वोटों का मार्जिन कम हुआ है, जो वोट प्रतिशत है बीजेपी का वो नीचे गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 50 विधानसभा सीटों में हमने लीड लिया है और ये जो है हमको आगामी विधानसभा चुनाव में बहुत सपोर्ट करने वाला है। तो आपको लग रहा है कि आप जो बीजेपी का दावा है उस दावे पे वो खरे उतरेंगे, क्योंकि 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है? नहीं, ये दावे और वादे बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि इन्होंने झारखंड में 65 पार का नारा दिया था और ये 23 में आके अटक गए थे। इन्होंने नारा दिया था जाके हरियाणा में कि हम जो है वहाँ पर 40 पर ये अटक गए, वहाँ 75 पार का नारा दिया, कहीं पर इन्होंने कुछ नारा दिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये केवल झूठ फरेब करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, लेकिन जनता झारखंड की जनता खटाखट की भी बहुत चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो था 8,500 उसको लेकर तरह तरह के मीम आ रहे हैं कि आप तो जो है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस हालांकि पिछड़ तो गई है, 99 सीट जरूर आई है, लेकिन आप सत्ता में नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये सारी जो योजनाओं को लेकर आपने, जैसा बीजेपी के लोग कहते हैं कि भ्रम फैलाया, उसका जो है कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ है? नहीं, देखिए, भ्रम की बात नहीं है। जो इस देश के लोकतंत्र में जो संविधान को नहीं मानेगा, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने के प्रयास करेगा, तो यहाँ की जनता कभी पसंद नहीं करेगी।
और जहाँ तक खटाखट खटाखट की बात है तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी और ये सरकार चलने वाली नहीं है। मोदी जी की सरकार मिड टर्म पोल की तरफ बढ़ रही है क्योंकि ये सिर्फ अपने सत्ता पर कब्जा करने के लिए इन्होंने सत्ता पर बैठने का काम किया है, लेकिन ये सत्ता चलने वाली नहीं है और